सबसे पहले हम रेलवे से ये चाहेंगे कि जब जैसे हमारी टिकट जो है अभी कुछ कमी हुई है टिकट, उसमें जो हमारा जैसे कोविड में चलता था पैसेंजर ट्रेनों में जो है टिकट भी जनरल का भी टिकट बुक होता था, उससे भीड़ नहीं होती थी। अभी क्या है जनरल में पूरी भीड़ हो जा रही है, उससे जो पहले कोविड में था कि एक टिकट जनरल टिकट भी बुक करना होता था, उसी प्रकार से जो है अभी भी कर दे। और जैसे अभी देखें हम गोरखपुर स्टेशन की बात करें तो इतना बड़ा विश्व का जो है सबसे बड़ा स्टेशन है, बट एक टिकट घर एक ही जगह है, वहाँ पे टिकट लेने में लगभग 40 से 35 मिनट लगे, जिसमें ट्रेनें बहुत सारी छूट जाती है हमारी। ठीक, इसलिए जो है हर प्लेटफॉर्म पे एक टिकट कार्यालय होना चाहिए। ऐसे कोई नया यात्री है ढूंढते रह जाएगा, 1 किलोमीटर के जो है लगभग 1300 मीटर का हमारा स्टेशन है, 1 से लेकर के 9 तक जो है ढूंढते में एक जगह जाना पड़ता है, हर हर गेट पे उसका जो है टिकट होना चाहिए। और सुरक्षा को देखें तो जो महिलाएं सुरक्षा हैं इसमें ट्रेन रेलवे में, हमारे पुलिसकर्मी हर डिब्बे में नहीं मौजूद होते हैं। अभी जनरल में कुछ दिन सफर कर रहा था, उसमें गुटखा पान बीड़ी सिगरेट सभी लोग उसमें जो चालू है, तो यह पुलिसकर्मी को बढ़ाया जाना, जो RPF वाले हमारे हैं उनको ज़रा फोकस करना चाहिए। और बजट हमारा जो है और बेहतर सुरक्षा बनाए, इसकी सुरक्षा बनाए, बेहतर स्टेशन का विकास करें। रेलवे हमारी एक बहुत बड़ी व्यापारिक संस्था है और ये संस्था हमेशा गरीब अमीर सबको लेकर चलती है और एक जगह से दूसरे तक पहुंचाती है और बहुत सस्ते दर पे जो है यात्रा हम लोग करते हैं। इससे बड़ी कोई सुविधा नहीं दे सकता है, लेकिन रेल में बहुत बड़ी रुकावटें भी आती हैं जो मानवीय भूल के द्वारा होती हैं। जानबूझ करके कोई भी कर्मचारी कोई भी पैसेंजर नहीं करता है, लेकिन मानवीय भूल ऐसी है जो न चाहते हुए भी हो जाती है। आज के डेट में हमारा बजट आने वाला है, बजट सभी गरीब गुरुओं का होना चाहिए क्योंकि हर तरह के समाज में लोग हैं, सबको लेकर के चलने में ही सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि है। यह सरकार गरीब अमीर सबको लेकर चलता है, जैसे एसी कोच का जो किराया है ज्यादा है, लेकिन आपका स्लीपर कोच का किराया कम है, लेकिन गाड़ियों में स्लीपर कोच कम लग रहे हैं, एसी कोच ज्यादा लगाए जा रहे हैं, जिसमें गरीब जो मजदूर वर्ग का है वो जनरल कोच में यात्रा नहीं कर पा रहा है क्योंकि हर गाड़ियों में कोच जनरल के काट दिए गए हैं। कृपया जनरल कोच को बढ़ाया जाए जिससे तत्काल यात्रा करने वाले मजदूर वर्ग के लोग हैं वो अपनी सुलभ यात्रा कर सके। किराया तो घटना चाहिए, गरीब लोगों का घटना चाहिए, जो जनमानस गरीब जनमानस है उनका किराया घटना चाहिए। टिकटों में वेटिंग है उस पर तो कंट्रोल किया है सरकार ने, इससे रेल में जो है सुरक्षा बढ़ती है, चोरी का अपराध कम होता है क्योंकि वेटिंग टिकट लेकर के लोग यात्रा करते हैं और आम पैसेंजर का सामान रात में उठा करके और 9-2-11 हो जाते हैं। इस पर सरकार ने जो रोक लगाई है इसकी मैं जो प्रशंसा करता हूं, ये बहुत अच्छा सोच है उनकी, सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा है। तो बजट से उम्मीदें हैं अच्छा बजट आएगा? हाँ अच्छा, हमें हमारी उम्मीद है ये सरकार जो बजट लाएगी बहुत खुशहाली बहुत सहयोग भावना से लाएगी जिससे आम नागरिक को मदद मिले, ये हमारी जो है विचार है। मेरा नाम है LB यादव। देखिए अभी बजट आएगा, फैसिलिटीज तो बड़ी हैं तो जायज है कि थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन उम्मीद तो यही है कि कम से कम जो मिडिल क्लास पीपल लोग हैं उनके लिए थोड़ा बजट कम रहे, क्योंकि अभी जैसे कि अब मैं यूजुअली सफ़र करते रहता हूं और ऐसा पहली बार नहीं है, तो ऐसे में पहले से कंडीशंस तो काफ़ी बेटर है, साफ़ सफाई बड़ी है, सिक्योरिटी के मामले में भी आजकल अगर आप 1939 पे कॉल करें तो रिस्पॉन्स तो मिलता है हमें आजकल, पहले से कंडीशंस बेटर हुई हैं और अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए कंडीशंस बेटर हों तो थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज होगा, लेकिन उतना भी लाइक मिडिल क्लास को नज़र रखते हुए, क्योंकि आजकल टैक्स रिटर्न्स ये सब के चक्कर में बीच में मिडिल मैन ही पिसते हैं, तो उस हिसाब से अगर थोड़ा हमारे लिए अगर इसमें रिलैक्स हो, जैसे कि अभी नया रूल निकाला कि वेट लिस्टेड टिकट्स जो ट्रैवलर्स हैं वो भी चल नहीं सकते हैं, तो ऐसे में जो कॉमन लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि अभी स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट काफ़ी लोग वेट लिस्टेड ही लेके चढ़ते हैं, तो अगर उधर थोड़ा रिलैक्स हो तो काफ़ी बेटर रहेगा हम लोग के लिए। कोई भी देश का बजट जो आता है बजट में चेंजिंग होना चाहिए और जनता का राहत महसूस हो कि मुझे पहले से अभी राहत मिल रहा है, इस टाइप का बजट होना चाहिए। और रेल का बारे में आप बोले तो रेल में क्या है कि अभी सर सफाई पर बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है और मैं नेपाली हूँ, नेपाल से हूँ, और मैं एक पड़ोसी देश के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेपाल का लोग बहुत सा भारत में सफ़र करते हैं और यह रेल का जो है दूरी जो है नेपाल से अटैच है, इसको और बढ़ा देने पर अच्छा। मैं हरिद्वार से आया हूँ, यहीं लखनऊ ही रहता हूँ। नहीं, रेलवे में सेवाएं तो अच्छी हैं लेकिन सीनियर सिटीजन को
किराए में कुछ छूट मिलनी चाहिए यात्रा में जी। रेलवे में तो खैर काफ़ी सुधार हुआ है, ट्रेनों की बोगियाँ भी नई बन गई हैं और यात्रा भी अच्छी है। वंदे भारत ट्रेन अच्छी चलाई है, उससे मैं यात्रा में गया था, अच्छा सफर रहा। बजट कैसा होना चाहिए ठीक ठाक? बजट तो खैर रेलवे की अभी और आवश्यकता है सुधार की, तो उसको बजट थोड़ा बढ़ाना चाहिए सरकार। अब देखिए भाई बढ़ा भी सकती है वैसे मोदी जी तो, और काम तो इसको रेलवे को अच्छा बना ही रहे हैं, हो सकता है बजट बढ़ावें, संभावना तो यही है। देखिए रेलवे में अभी बहुत बहुत ही बदलाव की ज़रूरत है, यात्रियों को बहुत परेशानी होती है यात्रा करने में, अभी भी हो रही है, जिससे उम्मीद तो सरकार से काफ़ी है, देखिए आगे क्या होता है। मैं अपने घर जा रही हूँ, हम आए हैं देहरादून से, और सबसे बड़ी बात है महिलाओं के लिए, पहले तो रेल की जो टिकटों के रेट बढ़े हैं उनको थोड़ा ध्यान दिया जाए। दूसरी बात है कि महिलाओं के लिए कि वॉशरूम या गरीब वर्ग के जो भी लोग जाते हैं, हर बंदों को नहीं पता है कि वॉशरूम में टैब नीचे से होगा, उससे सारा पानी गंदा ये अंदर तक आता है जहाँ सोने की है। और उससे तीसरी बात यह है कि लोगों को जो जनसाधारण जनता उनको तो नहीं पता ना कि नीचे से दबाना है क्या है, ये सब चीज़ें की थोड़ी खामियां हैं रेलवे में। और एक डस्टबिन साइड में छोटे जो यहाँ सब खाते पीते वहाँ भी होना चाहिए, ये सब चीज़ें कहना चाहती हूँ मैं। हाँ जी सुधार की जरूरत है, रेलवे में खामियां हैं, बजट में थोड़ी आम जनता के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए कि रेट की सबसे पहले टिकट के रेट थोड़े कम किए जाएं, और एक महिलाओं के लिए भी अलग सेफ्टी के लिए कोच अलग से एक डब्बा बनना चाहिए, कोच होना चाहिए, यही सब कहना चाहती हूँ मैं। और थर्ड एसी में भी वो फैसिलिटीज नहीं है ना, ऐसे सीटें बहुत चौड़ी कम है, बहुत कम स्पेस में ऐसे लगता सब सटे हुए लगते हैं, ये सब चीज़ें हैं खामियाँ। और हर इंसान तो फर्स्ट और सेकंड में नहीं बैठता ना, थर्ड में भी बैठते हैं, थर्ड एसी में वो फैसिलिटीज नहीं है। हाँ, जो आज का बजट पेश हो रहा है उसमें बहुत सी कमियाँ अभी भी हैं, हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत होना चाहिए, एक थर्ड एसी में आप बंदा करता है कि सुरक्षा के लिए जाता है, लेकिन इसमें भी सब बिना टिकट्स भी घुस जा रहे हैं सब, थोड़ा सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि बिना टिकट से जो जाते आते लोग हैं ये सबको अपना वो करें, और महिलाओं के लिए अलग से अपना कोई जो उनका जो शौचालय है जो अपना है वो सब बहुत गंदा था, कोई उनको जगह जगह टाइम टाइम पे जहाँ पे गाड़ी रुकती है नहीं ज़्यादा से लेकिन 2-4 बस साफ करवाना चाहिए। पानी की व्यवस्था जो है अब हर किसी को नहीं पता कि नल कैसा है, नल को नीचे से दबाइए तो आपको पानी आएगा, हमको पता है किसी को पता है, अब सबको नहीं पता, एक आम जो जनता के साथ है वो अभी थोड़ी बहुत कमियां हैं जो आप लोग पूरा किए, लेकिन आगे से बहुत सुधार हो चुका है, हम कहेंगे सुधार बहुत हुआ है लेकिन अभी करना चाहिए उन लोगों को और भी बहुत महिलाओं के लिए। हाँ, आज के बजट से हमें यही उम्मीद है कि हमारी जनता को सब सुख सुविधाएं मिले, मैं भी लखनऊ महिला उसमें मुख्यमंत्री रह चुकी हूँ, मेरा भी महिलाओं से ये उम्मीद है कि उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज हो, सब कुछ हो, उनको अलग अपना जैसे अब हम लोग हैं अपना जैसे बैठे हैं कोई सेफ्टी नहीं है। अभी मैं पीछे लुधियाने से आई थी तो मेरा ट्रेन में ही पर्स भी छिन चुका है एक बारी, तो सबको ध्यान देना चाहिए, टीटी लोग हैं या जो भी रेलवे कर्मचारी हैं वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलें।